हेलो, वेलकम बैक। सो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो इससे पहले हमने बात करी थी कि जो हमारा फूड था वो हमारे बकल कैविटी से ओइसोफेगस में आ गया था, ओइसोफेगस से वो हमारे स्टमक में आ गया था। ओके, सो द पार्शियली फूड विच वी वर कॉलिंग काइम, CHYME काइम, सो अब वो हमारा फूड कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की और पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस की, लाइक लिवर एंड पेनक्रियास। सो वी विल स्टार्ट राइटिंग विद द हेडिंग। हम डालेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो इट इज अ हाईली कॉइल्ड, सो इट इज अ हाईली कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब विद द लेंथ, ये लेंथ आ सकती है, पूछ सकते हैं, विद द लेंथ ऑफ अबाउट 7.5 मीटर। अब खुद देखो 7.5 मीटर कितना ज्यादा लॉन्ग होता है। 7.5 मीटर की हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉइल्ड होके हमारे बॉडी में है, राइट? सो 7.5, सो इट इज अ नैरो ट्यूब, इट इज अ नैरो ट्यूब which receives secretions from the liver and pancreas. Okay, so the wall of small intestine also secrete digestive juice. ओके, सो हमने बात करी कि हमारा फूड कहां पे एंटर हो गया है। हमारा फूड एंटर हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इट इज अ हाईली कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब विद द लेंथ ऑफ 7.5 मीटर। इसकी कितनी लेंथ है? 7.5 मीटर, ये हमें क्लियर। सो इट इज अ नैरो ट्यूब, लाइक बहुत पतली ट्यूब होती है, इसलिए कॉइल्ड होके हमारी बॉडी में। सो क्या होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, राइट? सो क्या होगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विच वी वर कॉलिंग काइम हैज एंटर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सिक्रीट हो रहा है? हमारे कुछ क्या नाम, बाइल जूस, जैसे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहा है। कहां से? लिवर से, पेनक्रियास से, वो हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। ये हमें याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है, ओके, लाइक ये जो वॉल्स होती है, ये भी क्या सिक्रीट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है, और लिवर एंड ऑल्सो पेनक्रिया सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस इन साइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? ओके, सो इसके आगे लिखेंगे हम लिवर के बारे में। ओके, हेडिंग डालेंगे लिवर। सो लिखेंगे द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यू विल राइट लिवर। द बॉडी दैट इज लिवर। ओके, सो इट इज द रेडिश ब्राउन कलर्ड ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो ये हमारी बॉडी में कौन सी साइड प्रेजेंट होता है? राइट साइड। और ये क्या है? द लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड। ओके, क्वेश्चन आ सकता है नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड, यू विल राइट दैट इट इज लिवर। सो कौन से कलर का होता है? इट इज लाइक रेडिश ब्राउन। ये कहां सिचुएटेड होता है? इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट? ओके, सो कंटिन्यू करेंगे इसी में। सो द राइटिंग पोर्शन आई नो इज मोर, बट क्या नाम है, जितने नोट्स बनाएंगे हम और जितना लिखेंगे वो हमें ज्यादा समझ आएगा। ओके, ओके, सो वी विल राइट इट सिक्रीट्स, याद रखना है, इट सिक्रीट्स बाइल जूसेस विच इज स्टोर्ड, ये भी याद रखना है, विच इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड
गैल ब्लैडर, कॉल्ड गैल ब्लैडर. ओके, सो द बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ऑफ फैट. सो इट ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल्स, ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, इन द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ, सो दैट इट फर्दर ब्रेक्स डाउन, फर्दर ब्रेक्स डाउन इनटू मोर सिंपलर कंपाउंड, इनटू मोर सिंपलर कंपाउंड्स, बिकेम इजी, कम्स इजी. सो द complete digestion of fat is done by pancreatic juice. Okay, देखो थोड़ा समझते हैं. So it secrete bile juice. ये चीज हमें clear है कि जो हमारा liver है वो क्या secrete कर रहा है, bile juice secrete कर रहा है, right? So कहाँ पे store होता है, ये question आ सकते. देखो कौन क्या secrete कर रहा है और कौन उस हमारे बाइल जूस को कौन स्टोर कर रहा है, आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो हमारा लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, और हमारा जो इस बाइल जूस है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इट इज गेटिंग स्टोर इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, गैल ब्लैडर. ओके, सो कहाँ से रिलीज हो रहा है बाइल जूस, वो रिलीज हो रहा है लिवर से, और क्या नाम है, कहाँ पे वो स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है हमारे गैल ब्लैडर. ओके, सो बाइल जूस का क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन आ सकता है. यू विल राइट द बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट. देखो कितने सारे पॉइंट्स बन गए. पहला, वो सिक्रीट कहां से हो रहा है, लिवर से हो रहा है. क्या सिक्रीट कर रहा है लिवर, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है. बाइल जूस हमारा कहां पे स्टोर हो रहा है, वो स्टोर है सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कह रहे हैं गैल ब्लैडर. और बाइल जूस किस चीज में हेल्प कर रहा है, इट इज हेल्पिंग इन डाइजेशन ऑफ फैट. ओके, सो क्या होता है, जो हमारा फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, और देखो हमारा फूड माउथ से ही डाइजेस्ट हो रहा है. अब सोचो वो कितना छोटा हो गया होगा, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड हो गया होगा कि वो और भी ज्यादा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है. सो यहाँ पे फैट हमारा ब्रेक होगा, डाइजेस्ट होगा. सो इट फर्दर ब्रेक्स डाउन द सिंपलर कंपाउंड, इट बिकेम्स इजी. सो द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट इज डन बाय पेनक्रियाटिक जूस. ओके, सो पेनक्रियाटिक जूस की हम यहाँ बात करते हैं. ये देखो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है लिवर से, कहां पे स्टोर हो रहा है, हमारा गैल ब्लैडर में. क्या डाइजेस्ट कर रहा है, वो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है. और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट कौन सा जूस कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस. ओके, यहाँ पे अब हम पेनक्रियास की बात करेंगे, अब उसे यहाँ पे लिखेंगे इसी के कॉन्टिन्यूस में. देखो कुछ कुछ चीजें इसमें डिफिकल्ट हो जाएंगी अगर आप मिक्सअप कर दोगे तो, अगर नोट्स बना के अच्छे से लिखोगे सो ईजी होगा. ओके, सो यू विल राइट पेनक्रियास के बारे में. The pancreas is the is a देखो the pancreas the pancreas is a large cream colored gland which is located just below the stomach and secrete pancreatic juice. It breaks. ये तो हमने पढ़ा है कि वो क्या break कर रहा है, fat को. It break fat into simpler compound like fatty acid and glycerol. इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ेंगे. नेक्स्ट लिखेंगे द इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हेल्प्स इन द digestion of carbohydrate and protein into simpler
एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस. ओके नाउ सी, हमने बात करी कि जो हमारा लिवर है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, गैल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, वो क्या डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है हमारे फैट को. यही था हमारे लिवर के बारे में, ठीक है. वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, याद रखना आपको. नाउ हम बात कर रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस, जो कौन रिलीज करता है, हमारा पेनक्रियास रिलीज करता है. सो क्या होता है, इट इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. ये हमारे स्टमक के नीचे ही प्रेजेंट होता है हमारा पेनक्रियास. ये क्या हेल्प कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है पहले तो हमारा पेनक्रियाटिक जूस. ओके सो ये क्या ब्रेक कर रहा है, हमारे फैट को ब्रेक कर रहा है. मैंने बताया था ना, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट कौन करेगा, हमारा पेनक्रियाटिक जूस करेगा. सो हमारा फैट क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और सिंपल कंपाउंड में. सो जैसे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है, डिटेल में नहीं जाना. सो द इंटेस्टाइनल जूस, मतलब जो जूस सिक्रीट हो रहा है, कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट कर रही है, वो हेल्प कर रहे हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में, उन्हें और ब्रेक डाउन होने में, राइट. एक छोटी सी लाइन और लिखेंगे, ये मोस्ट कंप्लीट हो चुका है मोस्टली ये वाला टॉपिक. सो नाउ द फूड इज सेड टू बी डाइजेस्टेड, सेड टू बी डाइजेस्टेड, ये लाइन याद रखनी है. द डाइजेशन, the digested liquid, digested food is absorbed by the walls of small intestine, walls of small intestine. देखो क्या हुआ, अभी तक हमने बात करी small intestine की. small intestine में क्या हो रहा है कि हमारे digestive जो juices है वो कहां से आ रहे हैं, कुछ bile juice से, हमारे liver से क्या है, वो bile juice है हमारा. उसके बाद हमने बात करी कि पेनक्रियास क्या रिलीज कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस कर रहा है, रिलीज कर रहा है. सो ऑल दीज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. सो क्या हो गया, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड था वो उसका क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, राइट. सो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट. सो क्या होगा, हमारा जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, सो क्या होगा, उसमें जो भी प्रोटीन न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, वो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट. सो अभी यहीं पे खत्म करते हैं इस टॉपिक को. थैंक यू.